सबसे बड़ी मुसीबत तो मथुरा में आई, जहां पर बारिश से एक यात्री बस अंडरपास में फंस गई। और कोई फंसा है यहाँ पीछे? ये तस्वीर श्री कृष्ण की नगरी मथुरा की। मंगलवार रात ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि शहर के नए बस अड्डे के पास स्थित ओवरब्रिज के नीचे का हिस्सा तालाब में तब्दील हो गया। इस रोडवेज बस के चालक को पानी का अंदाजा नहीं लगा और आधी बस पानी में डूब गई। बस में 15 से 20 मुसाफिर सवार थे। बस से उतरना किसी जोखिम से कम नहीं था। और कोई फंसा है यहाँ पीछे? लिहाजा फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और फिर फायर ब्रिगेड ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। देखिए आधी रात को टॉर्च की रोशनी में रेस्क्यू ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया। एक घंटे की मशक्कत के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। 12 से 15 के करीब लोग जो थे वो बस के अंदर फंसे हुए थे और पानी जो था वो बिल्कुल तकरीबन 8 से और 9 फीट के करीब वहाँ पर पानी था। तो हमारे जो रेस्क्यू उपकरण थे उनका इस्तेमाल करते हुए हमने उन 12 से 15 लोगों को बाहर रेस्क्यू किया। भारी बारिश ने यूपी के कई शहरों में तांडव मचाया। ये तस्वीर यूपी के अमरोहा शहर की है। तस्वीरों में देखिए आसमान से कैसी आफत बरसी है। इतना पानी कि सड़कों पर मानो नदी बह रही है। अब बिजनौर का हाल देखिए। 3 घंटे की बारिश ने बिजनौर के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। देखिए पानी पार करना इस कार वाले को किस तरह भारी पड़ गया। बीच रास्ते में कार बंद हो गई। अलग अलग कैमरे से पानी के प्रहार की तस्वीरें देखिए, अंदाजा लग जाएगा कि मूसलाधार बारिश से शहर किस कदर मुसीबत में आ गया। बारिश से शहर की मुख्य सड़कों पर कई कई फीट पानी भर गया। शहर के हर कोने में सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आया। यहां तक कि कई लोगों के घरों और दुकानों में भी पानी घुस गया। अब हापुड़ का हाल देखिए। हापुड़ में मूसलाधार बारिश ने नगर पालिका की तैयारी की पोल खोल दी। करीब 2 घंटे हुई बारिश में शहर पानी पानी नजर आया। शहर का पानी नालों से बाहर नहीं निकल पाया और शहर की कॉलोनियों में जल भराव हो गया। शहर के कई इलाकों में भारी जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। हापुड़ के प्रमुख बाजार गोल मार्केट, अतरपुरा, पक्का बाग जैसे इलाकों में सड़कें पानी पानी नजर आई। हाफिजपुर क्षेत्र में रेलवे फाटकों को बंद कर बनाए गए अंडरपास में भी पानी भर गया। पानी की निकासी न होने के चलते कार सवार युवकों ने जान जोखिम में डालकर अंडरपास पार किया, जिससे कार पानी से भरे अंडरपास में फंस गई। यूपी के कई शहरों में आज भारी बारिश हुई है। गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन जल जमाव ने मुश्किलें बढ़ा दी। आज तक ब्यूरो।